के बाहर आइसोलेशन में स्कूल या पंचायत भवन वहां रखेंगे, प्रारंभिक जांच करेंगे और जो आइसोलेशन के नियम हैं उनका पालन करते हुए वो स्वस्थ और सुरक्षित रहें और बाकी को भी स्वस्थ रखें, इसका प्रयास करेंगे। एक सवाल श्री हरीश रावत जी ने बड़ा महत्वपूर्ण पूछा है, किसान के माल की खरीदी नहीं हो पा रही और उसके पास केसीसी की किस्त जमा करने के लिए भी पैसे नहीं है, वह क्या करे। हरीश जी, प्रारंभ में भी मैंने कहा था कि किसान चिंता ना करें, यह संकट आया है, इसके कारण मंडियों में भीड़ ना हो, मंडी बंद है, खरीद में भी थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन आप चिंता ना करें, आपकी फसल पूरी तरह से, गेहूं पूरी तरह से खरीदा जाएगा, किसान ठीक से अपने अनाज को, उत्पाद को बेच पाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। मैं हूं ना, आप चिंता क्यों करते हैं। डिले जरूर हुआ है क्योंकि समय भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, लेकिन हम लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और किसान के उत्पाद को हम खरीदने का पूरा काम करेंगे, उसकी आप चिंता ना करें। उसके साथ साथ केसीसी की किस्त जमा करने की तिथि बढ़ा के 31 मार्च से 30 अप्रैल कर दी गई है। श्री शैलेंद्र पवार जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, स्वास्थ्य कर्मचारी अपना जीवन जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, उनके बीमा आदि की क्या व्यवस्था की गई है। शैलेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आपने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना होगा, उस दिन उन्होंने भी स्वास्थ्य कर्मियों का, डॉक्टर्स नर्स के बीमा करवाने की 50 लाख रुपये तक का अनाउंस किया है, घोषणा की है। हमने मध्य प्रदेश में भी ये तय किया है कि सरकारी जो हमारे डॉक्टर्स नर्स स्वास्थ्यकर्मी, उनके अतिरिक्त भी प्राइवेट सेक्टर के अगर हमारे ऐसे डॉक्टर नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है तो उनका भी हम बीमा करवाएंगे, भगवान ना करे कोरोना के कारण कोई दिक्कत हो, नहीं तो 50 लाख रुपये का उनका बीमा करवाने के मैंने निर्देश दिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। संदीप राठौर जी ने एक सवाल पूछा है, जो सामाजिक संस्थाएं अथवा व्यक्ति कोरोना के विरुद्ध जी जान से जुटे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा, उनका अभिनंदन करना चाहूंगा, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए वो आगे आए हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इससे बड़ा पुण्य और कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि हर कोई अपने मन से कहीं ना निकले, प्रशासन के साथ तालमेल करके ही समाज सेवा के काम में, भोजन इत्यादि के काम में लगे। एक सवाल और मेरे पास आ गया सुनील पटेल जी का, वो कह रहे हैं कि कोरोना संदिग्ध लोगों को मकान मालिक जबरन घर से निकाल रहे हैं, ऐसे में हम क्या करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनसे भी मानवीय व्यवहार होना चाहिए, हर एक संदिग्ध पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन उनको अस्पताल में हम उनका टेस्टिंग करवाएं, जरूरत पड़े तो अस्पताल में भर्ती करवाएं। एक बात और आई है, कई लोगों ने कहा कि मकान हमसे खाली करवाएं, केवल कोरोना संदिग्ध नहीं, बाकी से भी कहा कि अब मकान खाली